वनी में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है मैं उनमें से नहीं हूं जो सुबह चार बजे उठते हैं पांच बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूं अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यों ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है इसे मैं अपने लिए काफी ऊर्जादायक पाता हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया मैं जगा एक ऐसी कान फाड़ू आवाज से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी दरअसल यह तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी मैंने खिड़की के बाहर झांका। आकाश बादलों से भरा था जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाले तड़ित के अलावा जाड़े की अलसुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे तीन साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से तीन खंडों वाली एक श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग चवालीस से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है चौतीस प्रतिशत से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है तीन तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है सोनामुरा बेलोनिया सबरूम और कैलास शहर जैसे त्रिपुरा के ज़्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज़ दो किलोमीटर पर है बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहाँ जबरदस्त है और इससे यहां सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है यहां की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ लाखड़ा किया है यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है पहले तीन दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द शूटिंग की जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था उज्जयंत महल अगरतला का मुख्य महल है जिसमें अब वहां की राज्य विधानसभा बैठती है राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतिकीत करता है इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक लगातार एक सौ तिरासी क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई है लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है अगरतला के बाहरी हिस्से पैचार थल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के उन्नीस कबीलों में से दो यानी चकमा और मुघ महायानी बौद्ध हैं ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग चवालीस पकड़ा और टीलियामुरा कस्बे में पहुंचे जो दरअसल कुछ बड़ा हो गया गांव ही है यहां मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई जो यहां के एक प्रसिद्ध लोक गायक है और जो उन्नीस में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं हेमंत कोक बारोक बोली में गाते हैं जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से है जवानी के दिनों में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियार बंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया यह एक सीधा सादा खाना था जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था भारत की मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावे संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी प्रतीत होती हैं गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में एक एस टी बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे दरअसल वे त्रिपुरा के परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे टीलियामुरा शहर के वार्ड नंबर तीन में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी वे निरक्षर थीं, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईटे बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी हमारे लिए उन्होंने दो गीत गाए और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई और बगैर किसी के हमारे लिए चाय बनाकर ले आई मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा वहां अब भी चलन में है त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टिलियामुरा ही है राष्ट्रीय राजमार्ग चवालीस पर अगले तिरासी किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सी की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है मुख्य सचिव और आईजी जी से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दें थोड़ी नानुकुर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा और यह काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ मैं अपनी शूटिंग के काम में ही इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे सी कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे दो पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया दो दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था उसने कहा मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदुओं के लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा सा कस्बा है जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था वहां मैंने एक और काफिला देखा एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहा चला आ रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी और हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही सी की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ चार व्यक्ति संभाले हुए थे अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीके तैयार करना अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है जो बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब है मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की जो केरल से आए एक नौजवान निकले वे तेज तर्रार मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि टी पी एस टरू पोटेटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत दो मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है इसके बरक्स टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही एक हेक्टेयर की बुआई के लिए काफी होती है त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम मिजोरम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा जहां टीपीएस की खेती की जाती थी फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा क्या आप उनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है संसार के इस हिस्से में जहाँ युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते हैं एक शैव तीर्थ जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी यह जंगल में काफी भीतर है हालांकि यहां से इसकी दूरी सिर्फ नौ किलोमीटर है अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था टिल से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहां जाना चाहूंगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और यहां तक कि ऊना कोठी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा वहां हम सुबह नौ बजे के आसपास पहुंच गए लेकिन एक घंटे हमें इंतजार करना पड़ा क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी दस बजे ही पहुंच पाती है ऊना कोटी का मतलब है एक कोटी यानी एक करोड़ से एक कम दंत कथा के अनुसार ऊना कोटी में शिव की एक कोटि से एक कम मूर्तियां हैं विद्वानों का मानना है कि यह जगह दस वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान नवी से बारहवीं सदी तक के तीन सौ वर्षों में यहां चहल पहल रहा करती थी पहाड़ों को अंदर से काटकर यहां विशाल आधार मूर्तियां बनी हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धस कर पातालोक में न चली जाए लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं दो पहाड़ों की चोटियों पर फैली है भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है पूरे साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है यह पूरा इलाका ही शब्दशह देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार था वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे एक रात में शिव की एक कोटी मूर्तियां बनानी होंगी कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां एक कोटी से एक कम निकली कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊना कोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के चार बज गए सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊना कोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर आए जब तक हमने अपने उपकरण बादलों की सेना, गर्जन, गर्जन के साथ कहर बरपाने लगी शिव का तांडव शुरू हो गया था जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मैंने तीन साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर ऊना कोटी पहुँचा दिया था